सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। देश में आज के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। विश्व विख्यात पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली के जन्म दिवस 12 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। सलीम अली को पक्षी मानव के नाम से भी जाना जाता है। सलीम अली ने पक्षियों से संबंधित कई पुस्तकें लिखी, जिनमें बर्ड्स ऑफ इंडिया सबसे अधिक लोकप्रिय है। भारत सरकार ने सलीम अली को पद्म भूषण व पद्म विभूषण से अलंकृत किया था। डॉक्टर सलीम अली के नाम पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कोयम्बटूर के निकट अन्ना इकट्टी में सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र स्थापित किया गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस ने आज के दिन पार्टी से किया था निष्कासित। कांग्रेस के मजबूत सिंडिकेट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 12 नवंबर 1969 को पार्टी से निकाल दिया था। कांग्रेस का आरोप था कि उन्होंने पार्टी अनुशासन को भंग किया है। पार्टी से निकाले जाने के बाद इंदिरा गांधी ने नई कांग्रेस बनाई और न केवल कांग्रेस के सिंडिकेट को किनारे कर दिया बल्कि प्रधानमंत्री पद भी बरकरार रखा। इससे पूर्व 12 मार्च 1969 को निजलिंगप्पा ने अपनी डायरी में लिखा था कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में बने रहने के योग्य हैं। शायद बहुत जल्दी मुकाबला होगा। 25 मार्च को उन्होंने लिखा कि मोरारजी देसाई ने उनसे प्रधानमंत्री को हटाए जाने की जरूरत पर चर्चा की है। लंदन में आज के दिन शुरू हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था और अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने की थी। सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीयों में मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना और केटी पॉल प्रमुख थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लगभग 89 सदस्यों ने भाग लिया था, जिनमें 13 ब्रिटिश राजनीतिक दलों से और 76 भारतीय थे, जिनमें 16 भारतीय नरेश शामिल थे। अंग्रेजों ने आज के दिन किया था नागपट्टिनम पर नियंत्रण। नागपट्टिनम को पहले पुर्तगालियों और बाद में डच ने बसाया था। वर्ष 1660 से 1781 तक नागपट्टिनम डच कोरोमंडल की राजधानी रहा। 12 नवंबर 1781 को नागपट्टिनम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया और इसके बाद यह शहर मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत 1799 से 1845 तक तंजौर जिले की राजधानी बना रहा। देश के स्वतंत्र होने के बाद नागपट्टिनम तंजावुर जिले का हिस्सा बना रहा और वर्ष 1991 में इसे नवनिर्मित नागपट्टिनम जिले का मुख्यालय बनाया गया। नागपट्टिनम के अधिकांश लोग समुद्री व्यापार, मछली पकड़ने, कृषि और पर्यटन पर निर्भर हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।